hello everyone welcome to the coding tuition in this video we will understand the complete execution process of any java program so let's get started with the video basically uh, while executing a java program there are two major steps one is the compilation step and another one is the execution step the compilation step is done by the java c compiler and the execution step is done by the jvm which is the java virtual machine so let us understand the full process

ओके सो बाइट कोड क्या है बाइट कोड बेसिकली एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड है राइट व्हाट दस मशीन इंडिपेंडेंट मीन सो आफ्टर द कंपाइलेशन स्टेप हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल होगा ये डॉट क्लास फाइल हम किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज में ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है एंड यू कैन रन द सेम डॉट क्लास फाइल इन दी उबंतु सिस्टम ऑल्सो इन द मैक्स सिस्टम ऑल्सो ओके सो दिस इज़ वॉट मशीन इंडिपेंडेंट इज सो अब तक का स्टेप क्या हुआ हमारे पास फर्स्ट स्टेप था वी नीड अ सोर्स कोड विच इज़ अ डॉट जावा फाइल देन वी वॉन्ट टू चेक वेदर इसमें कोई एरर है कि नहीं सो so, उसके लिए हम कंपाइल स्टेप में गए ठीक है तो कंपाइल स्टेप कौन एग्जीक्यूट uh, करता है जावा सी कंपाइलर ओके सो अगर कंपाइल सक्सेसफुल होता है तो हमारे हमें क्या मिलेगा एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा ठीक है डॉट क्लास फाइल क्या है डॉट क्लास फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइट कोड ओके okay? अब हमारे पास डॉट क्लास फाइल है तो मतलब कंपाइलेशन स्टेप इज डन नाउ वी वॉन्ट टू रन द जावा प्रोग्राम गेट अ आउटपुट ओके सो द फर्स्ट स्टेप टू रन अ जावा प्रोग्राम इज टू गिव द डॉट क्लास फाइल टू क्लास लोडर ओके सो क्लास लोडर बेसिकली क्या करेगा फॉर एग्जाम्पल uh, हम कोई जावा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ठीक है तो उसमें ऐसा नहीं कि एक ही क्लास होगा इन दैट देर विल बी मल्टीपल क्लासेस सो लेकिन हम

ठीक है अगर हमारे पास क्लास वन है जिसमें हमारा मेन मेथड है ठीक है लेकिन हम अगर क्लास वन में क्लास टू को इंपोर्ट किए क्लास थ्री को इंपोर्ट किए तो क्लास लोडर क्या करेगा ये सारे क्लास जितने भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है वो सारे को लोड कर देगा मेमोरी में ठीक है आई होप दिस इज क्लियर तो क्लास लोडर बेसिकली इट विल लोड्स ऑल दी क्लासेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ जावा प्रोग्राम ठीक है अब क्लास अगर लोड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप इज दी बाइट कोड वेरीफायर बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है बाइट कोड वेरीफायर बेसिकली चेक करता है कि अगर हम ये कोड एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये कोई डैमेज तो नहीं क्रिएट करेगा जैसे कि इफ़ इन अ प्रोग्राम वी हैव यूज्ड अ वेरिएबल बिफोर क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग द वेरिएबल ओके सो ये एक एरर है ठीक है ये हमें कंपाइल में नहीं पता चलेगा ये हमें बाइट कोड वेरीफायर के टाइम पता चलेगा बेसिकली रन टाइम एरर जो भी होता है वो हमें बाइट कोड वेरीफायर के टाइम पता चल जाता है अगर बाइट कोड वेरीफायर ने जो भी हमने बाइट कोड उसको प्रोवाइड किया है वो सक्सेसफुली वेरीफाई uh, कर देता है तो द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वंस द बाइट कोड वेरीफायर हैज़ वेरीफाइड आ बाइट कोड नाउ इज़ द टाइम दैट वी नीड टू कन्वर्ट आर बाइट कोड इंटू आर मशीन कोड वन थिंग टू नोट यर इज ये जो बाइट कोड होता है ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता है वॉट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन कोड विच इज ऑलवेज इन जीरोज एंड वंस बाइट कोड जीरोज एंड वंस में नहीं होता है दिस ये एक ऐसा कोड है विच इज विच इज़ नॉट रीडेबल ओके सो नाउ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस बाइट कोड टू अ मशीन कोड ठीक है तो यहां पर फंक्शन आता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर का तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का फंक्शन ही ये है दैट इज टू कन्वर्ट दाइट कोड टू द मशीन लैंग्वेज ओके जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा मशीन कोड जेनरेट कर देगा सो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा मशीन कोड जनरेट करेगा विच इज इन जीरोज एंड वंस ओके ना वन थिंग टू नोटिस ऑल द थ्री स्टेप्स विच इज द क्लास लोडर बाइट कोड वेरीफायर एंड द जस्ट इन टाइम कंपाइलर टुगेदर फॉर्म्स द जे वी एम ठीक है विच इज द जावा वर्चुअल मशीन ओके आई होप दिस इज क्लियर दिस इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन प्रोसेस लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वंस अगेन द फर्स्ट स्टेप इज वी नीड अ सोर्स कोड ठीक है अगर हमारे पास सोर्स कोड है वी नीड टू चेक वेदर दी कोड इज करेक्ट और नॉट ठीक है फॉर दैट वी हैव द कंपाइल स्टेप दिस कंपाइल स्टेप इज डन द जावा सी कंपाइलर ओके इफ द कंपाइल स्टेप इज सक्सेसफुल वी विल गेट अ डॉट क्लास फाइल द डॉट क्लास फाइल इज जनरेटेड दिस डॉट क्लास फाइल इज कॉल्ड एज द बाइट कोड ओके नाउ अभी बाइट कोड जनरेट हो गया नाउ वी नीड टू रन आ जावा प्रोग्राम सो वी नीड टू गिव दिस बाइट कोड टू अ क्लास लोडर क्लास लोडर क्या करेगा इट विल लोड ऑल द क्लासेज विच वी नीड टू रन आ प्रोग्राम ठीक है नाउ आफ्टर लोडिंग ऑल द क्लासेज द नेक्स्ट स्टेप इज दी बाइट कोड वेरीफायर बइट कोड वेरीफायर क्या करेगा जो भी बाइट कोड होगा वो उसको वेरीफाई करेगा वेदर इट विल क्रिएट एनी डैमेज इफ वी रन दिस प्रोग्राम और नॉट इफ दाइट कोड वेरीफायर वेरीफाइज देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स टू दस्ट इन टाइम कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है जो बाइट कोड होता है वो जनरेट करेगा मशीन कोड पर विच इज इन जीरोज एंड वन सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड ऑल द थ्री स्टेप्स विच इज द क्लास लोडर बाइट कोड एंड द जस्ट इन टेम कंपाइलर टुगेदर फॉम्स द जे वी एम विच इज द जावा वर्चुअल मशीन ओके आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट एस डू अ प्रैक्टिकल वेर वी वेर वी विल क्रिएट अ जावा फाइल देन वी विल कंपाइल एंड देन वी विल रन द प्रोग्राम ओके सो लेट्स डू दैट ओके सो यर आई हैव अ जावा फाइल विच इज द एड डॉट जावा लेट मी शो यू द कोड इनसाइड इट ओके सो ये हमारा कोड है तो अब हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था वी नीड टू कंपाइल इट सो टू कंपाइल लेट अस ओपन द कमांड प्रॉप्ट सो वी हैव द कमांड प्रॉम्ट यर ओके नाउ टू डू द फर्स्ट स्टेप विच इज द कंपाइल स्टेप वी विल यूज द जावा सी कंपाइलर एंड फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल जावा इन योर कंप्यूटर आई होप जावा इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सो लेट मी कंपाइल इट फर्स्ट Java C Java c and we have to give the name of the uh, name of the file which is add dot Java okay okay now if you see the compilation is successful and we got the dot class file added over here okay now if we want to run this file what we have to do is we, we just need to write java and we need to give the name of the class in which we have the main method so the main method is in the add class so we will give java add. and we will get the result as 35 because we have added 15 plus 20. now अब हम देखते हैं हम जावा uh, कोड में कुछ एरर क्रिएट करते हैं and then देखते हैं dot class file generate होता होता है कि नहीं ठीक है so अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा देता हूँ ठीक है यहाँ पे भी मैं अगर सेमीकोलन हटा दूँ okay? let us save this and ये जो already existing dot class file है इसको हम delete कर देते हैं so अभी हमारे पास add dot java है एंड इसमें एरर है विच इज वी हैव रिमूव टू सेमीकोलन ओके सो नाउ इट्स अगेन कंपाइल दिस सो फॉर दैट वी विल यूज जावा सी एट डॉट जावा ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे आया एरर एंड इट इज टेलिंग अज दैट सेमीकोलिन इज एक्सपेक्टेड एंड यहाँ पे अगर आप नोट करोगे डॉट क्लास फाइल इज नॉट येट जनरेटेड ठीक है एंड लेट मी डू दिस एट द सेमीकोलन एंड लेट्स अगेन कंपाइल ओके सो यर दंपाइलेशन इज सक्सेसफुल नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी द कंटेंट कि एक्चुअली इसके अंदर डॉट क्लास फाइल के अंदर होता क्या है लेट इस ओपन विद द वी एस कोड सो देखो यहाँ पे होता है बाइट कोड ये है हमारा बाइट कोड एंड विच इज़ नॉट रीडेबल सो इफ वी राइट जावा ऐड वी विल गेट अ आउटपुट नाउ लेट सपोज मैं इसमें कुछ एरर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे मैं कुछ ऐसा निकाल देता हूँ कोड से ठीक है नाउ लेट लेटस सेव दिस बाइट कोड एंड अगेन डू जावा ऐड सो वी विल गेट द एर एज द लिंकेज एर बिकॉज द बाइट कोड वेरीफायर जो मैंने आपको समझाया था बाइट कोड वेरीफायर ने वेरीफाई किया कि इसमें डॉट बाइट कोड गिवन है विच इज द डॉट क्लास फाइल इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है जिसने एक एरर हमें दे दिया विच इज द लिंकेज एर ठोके आई होप दिस मच इज क्लियर एंड दिस वॉज बेसिकली दग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एनी जावा प्रोग्राम इफ यू फाउंड दिस Video helpful, then do like this video and please subscribe to the channel to show your support and do share with your friends if you found this video helpful. Thank you for giving your time. Bye.